सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक कॉफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एकेडमिक कैलेंडर 2023 से 2024 तक इवन और ऑड सेमेस्टर दोनों से लेकर आपको पूरा एकेडमिक कैलेंडर बताने वाला हूँ कि कब क्या होने वाला है। सारी चीज़ें ना हमको पहले से पता होती है, प्री डिफाइंड होती है, तो सारी चीज़ें आपको एकेडमिक कैलेंडर समझाने वाला हूँ कब क्या कौन सी डेट पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑड सेमेस्टर, सबसे पहले तो ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर क्या होता है। ऑड सेमेस्टर का मतलब होता है जैसे कि 1, 3, 5, 7, तो ये वाले जो सब्जेक्ट जो आपके सेमेस्टर है इनको बोलते हैं ऑड सेमेस्टर। 2, 4, 6 ये जो है आपके इवन सेमेस्टर, तो ऑड और इवन सेमेस्टर के दोनों के होते हैं। तो यहाँ पे आपको भी पहले सेमेस्टर का जो ऑड सेमेस्टर है उसका एकेडमिक कैलेंडर दिखा रहा हूँ, जो कि आपकी यहाँ पे सीयूसीटी वाली वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है, आप भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है वो 19/7/2023 को स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे अभी तक, मतलब जिन बच्चों के एडमिशन पहले से हो, सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ऑड सेमेस्टर के लिए वो स्टार्ट हो जाती है 19 जुलाई 2023 को उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, हर सेमेस्टर में जैसे आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है ना, सीयूसी मतलब कि जो सीयूएमएस पे जाके आपको उस सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करनी होती है कि हाँ मैं ये सेमेस्टर अटेंड करने के लिए रेडी हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूंगा, इतनी अटेंडेंस मेंटेन करूंगा। तो उसमें कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं होता, सीयूएमएस ओपन करना होता है, वहां पे ओपन करते आपको आ जाता है कि रजिस्टर फॉर ऑड सेमेस्टर या इवन सेमेस्टर, वहां पे आपको बस क्लिक करना होता है कि हाँ सेट आई, वहां पे टिक मतलब चेकबॉक्स क्लिक करके कि आई एक्सेप्ट द रूल्स एंड रजिस्टर। तो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उसमें कुछ ऐसा फालतू का नहीं है। तो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आपके यहाँ पे स्टार्ट ऑफ ऑड सेमेस्टर फॉर सेकंड ईयर, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कब स्टार्ट होगा, 1 अगस्त 2023 से ट्यूजडे को उनकी क्लासेस वगैरह हैं जो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम चलता है, जो फ्रेशर्स आने वाले हैं उनकी जो इंडक्शन प्रोग्राम चलने वाली है 7 अगस्त 2023 से उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो स्टार्ट हो जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बैच फर्स्ट इनटेक है ना, 16 अगस्त 2023 से जो फर्स्ट बैच है उनके जो बैच इनटेक है, जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फ्रेशर्स की, ये फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे बैच 1 इनटेक लिखा होना वो फ्रेशर्स की बात है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ईयर के ऊपर वाले बच्चे हैं ना, उनके तो 4 सितंबर को जो फर्स्ट आवरली टेस्ट है वो भी होने वाले हैं। फर्स्ट आवरली टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे इनको एमएसटी बोलते हैं, तो एमएसटी के जो मार्क्स है वो आपके इंटरनल में कैलकुलेट होने वाले हैं। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जितने भी आपके एग्जाम होने वाले, चाहे वो एमएसटी हो, चाहे क्लास में कोई एग्जाम हो रहा है, चाहे क्लास में कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन हो रहा है, कुछ भी अगर आपकी एक्टिविटी हो रही है, सभी चीजों के जो मार्क्स आपके कैलकुलेट होने वाले हैं वो सारे के सारे मार्क्स आपके इंटरनल में लगेंगे। जो फाइनल एग्जाम्स होंगे वो आपके एक्सटर्नल में होंगे, दोनों को मिला के आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट होकर आपको पता लगेगा कि आप पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि एमएसटी तो ऐसे होते हैं जैसे हमारे स्कूल में होते थे ना, कि मंथली टेस्ट ले लिए बस प्रैक्टिस के लिए, नहीं। यहाँ पे कॉलेज में अगर कोई भी आपका एग्जाम हो रहा है वो प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है, हर एक एग्जाम के आपके जो मार्क्स है कैलकुलेट होने वाले, तो आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं पहले से, कि एमएसटी क्या होता है, कैसे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, इंटरनल मार्क्स कैसे बनते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन रखी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड ईयर वाले बच्चे ना, उनके तो एमएसटी भी स्टार्ट हो जाएंगे 4 सितंबर से, और जो आपका एमएसटी का ड्यूरेशन रहता है ना, वो फर्स्ट यूनिट आएगी, 3 यूनिट में डिवाइड होता है आपका सिलेबस, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3। यूनिट 1 जब आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है तो आपके एमएसटी 2 होते हैं, यूनिट 2 कंप्लीट होता है तो एमएसटी 2 होते हैं, और जब आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है तो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जो कि तीनों यूनिट्स में से आता है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो मेंशन भी किया हुआ है यूनिट 1 के ऊपर आपका यहाँ पे एग्जाम होंगे, तो ये आपको ध्यान है। उसके बाद आपका 15 सितंबर 2023 को आपका टेक इवेंट होने वाला है, जो आपका 16 तक चलेगा, ठीक है, 2 दिन आपका टेक इवेंट चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो बैच इनटेक जो फ्रेशर्स रहने वाले हैं उनके एमएसटी होंगे 18 अगस्त से, तो देख सकते हैं कि अगस्त में आप मतलब 15 अगस्त से आप स्टार्ट करेंगे, तो विद इन 1 महीने बाद ही आपके पहले जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वो पूरा जो आपको देखने को मिलेगा, कब आपके एग्जाम होंगे, कितने एग्जाम होंगे, कैसे एग्जाम होंगे, वो सारा आपको सीयूएमएस के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो एग्जाम होते हैं ना एमएसटी वाले, वो 1 घंटे का एक एग्जाम रहता है, एक दिन में 2 या 3 एग्जाम आपके हो सकते हैं, तो 2 या 3 दिन में आपके एमएसटी खत्म हो जाते हैं, जितने आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद यहाँ पे 22 सितंबर को आपकी जो फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है, यहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी काफी ज्यादा औसम रहती है, तो एक दिन आपके यहाँ पे जो फ्राइडे सैटरडे संडे आपकी पूरी फ्रेशर्स पार्टी 3 दिन चलेगी, फ्राइडे को कंडक्ट कर रहे हैं तो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, तो आपको पूरा मजा आने वाला है। तो फ्रेशर्स पार्टी की भी बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे आपके जो प्रैक्टिकल एमएसटी होंगे ऑल बैचेस के लिए, जितने भी बच्चे चाहे वो फ्रेशर है, सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, जितने भी बैचेस है सबके 3 अक्टूबर को यहाँ पे होने वाले हैं प्रैक्टिकल के एग्जाम। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके दोबारा से 10 अक्टूबर को यहाँ पे क्या है आ जाएंगे एमएसटी 2 आ जाएंगे। एमएसटी 2 आपको जैसे बताया था यूनिट 2 कंप्लीट होगी तो आपके एमएसटी 2 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनके भी 19 अक्टूबर से उनके भी एमएसटी 2 हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जो एग्जाम है ना ऑड सेमेस्टर जो होता है वो थोड़ा छोटा रहता है, तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम है हर महीने के बाद आपके एग्जाम होने वाले, और ये जो एग्जाम है आपके फाइनल एग्जाम में कैलकुलेट होने वाले, तो आपको इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल लिटरेसी फेस्ट, यहाँ पे जहाँ पे मतलब कवि वगैरह आते हैं, वो फेस्ट होने वाला है, ठीक है, 20 अक्टूबर को। उसके बाद यहाँ पे आपके 2 नवंबर को
फोक फेस्टिवल होगा, ये भी काफी इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल होता है, दूसरी दूसरी मतलब यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपका 22 नवंबर को लास्ट टीचिंग डे रहने वाला है ऑल सभी बैचेस का, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तो आपका रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 23 नवंबर से आपके जो एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, वो स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे जो फाइनल रहने वाले हैं। तो ये फाइनल एग्जाम से तो आपकी पूरी डिसाइड होने वाली सीजीपी वगैरह, तो इन पर काफी ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपके एक दिसंबर से आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे बूट कैंप्स वगैरह चलेंगे 1 दिसंबर से लेके अप्रॉक्सीमेट 18-20 दिसंबर तक, 20-25 दिन में आपके पूरे फाइनल जो एग्जाम्स वगैरह खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे 18 को यहाँ पे आपका बूट कैंप्स वगैरह चलेंगे जो सेकंड ईयर से ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है। उसके बाद आपके 21 को आपका रजिस्ट्रेशन इवन बैच के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो स्टार्ट होने लग जाएगा सब बैचेस के लिए, थर्ड बैच को ये, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो 21 दिसंबर को तो आपका अगले जो सेमेस्टर का है वो हो जाएगा। उसके बाद आपके 23 को, मतलब कि 23 दिसंबर को आपका और सेमेस्टर है जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाली जो है ना, इन वाले जो बच्चे हैं जो एक्सेप्ट, मतलब इंजीनियरिंग ब्रांच को, थर्ड ईयर के जो इंजीनियरिंग और एमबीए के बच्चों को छोड़ के बाकी सबके जो एग्जाम है काफी जल्दी खत्म होके उनके जो अगले रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और 23 को जो ऑड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपको 10 या 12 दिन की छुट्टियां होती है, फिर आप घर जाते हैं, घर आने के बाद आपको दोबारा आपके इवन सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। इवन सेमेस्टर आपका कब स्टार्ट हो रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इवन सेमेस्टर आपका देख सकते हैं कि 8 जनवरी से आपका इवन सेमेस्टर जो स्टार्ट हो जाएगा सभी बैचेस की, यहाँ पे जो 8 जनवरी से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स से, चाहे वो सेकंड ईयर से, चाहे थर्ड ईयर से, सबकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। 12 से यहाँ पे आपका यूथ डे रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे पूरा। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखना है, सारा जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है ना इसके अकॉर्डिंग चलने वाला है, कुछ भी अलग से डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद आपकी 15 जनवरी से आपकी जो क्लासेज है 2024 में स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपका सीयू फेस्ट होगा, ठीक है, 16 फरवरी को आपका सीयू फेस्ट होगा। उसके बाद आपके फर्स्ट आवरली टेस्ट हो जाएंगे फरवरी में, 20 फरवरी को आपको आवरली टेस्ट स्टार्ट, एमएसटी, फर्स्ट एमएसटी स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपके प्रैक्टिकल एमएसटी हो जाएंगे, एमएसटी मतलब जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपके, ठीक है, 11 मार्च को हो जाएंगे। उसके बाद ये थोड़े से चलने वाले हैं। उसके बाद सेकेंडली 18 मार्च से आपके एमएसटी 2 स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद थिएटर फेस्टिवल, ये सब फेस्टिवल होंगे। उसके बाद लास्ट टीचिंग डे रहेगा। जो इवन सेमेस्टर होता है वो ऑड सेमेस्टर से भी ज्यादा छोटा होता है। इवन सेमेस्टर आपका अप्रोक्सीमेट 4 से 5 महीने चलता है, और जो ऑड सेमेस्टर आपका 4 से 5 महीने चलता है, इवन सेमेस्टर आपका अप्रोक्सीमेट 3 महीने में ही खत्म हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आप जनवरी में स्टार्ट हुआ था और 4th महीने में तो लास्ट टीचिंग डे भी आ गया, तो अप्रोक्सीमेट 19 मार्च को आपका लास्ट, ठीक है, 19 अप्रैल को, ठीक है, 19 अप्रैल को आपका लास्ट टीचिंग डे रहेगा। लास्ट टीचिंग 19 अप्रैल को हो गया। उसके बाद आपके जो एग्जाम वगैरह फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके भाई प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होंगे 20 अप्रैल से आपके यहाँ पे वो वाले प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो गए। उसके बाद 27 अप्रैल से आपके थ्योरी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे करते करते फिर जो बच्चे फेल वगैरह हो जाते हैं उनके लिए समर टर्म्स, इंटर्नशिप्स वगैरह ये सब चलती हैं। तो आपके इवन सेमेस्टर जो एंड हो जाएगा कब, 18 अप्रैल को आपका इवन सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। फिर 2-2.5 महीने की आपको छुट्टियां पड़ती है जब आप घर जाते हैं। उसके बाद आपकी जो क्लासेज है दोबारा फिर से मिड ऑफ जुलाई या अगस्त से फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती हैं। तो ये पूरा रहता है। तो आपको जो ज्यादा छुट्टियां मिलने वाली है वो कब मिलेगी, जब आपका इवन सेमेस्टर खत्म होगा, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल में छुट्टियां होंगे, फिर आपका मई जून पूरी 2 महीने आपकी छुट्टी रहेंगी, और मिड ऑफ जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी। तो अप्रॉक्सीमेट 2 से 2.5 महीने की आपको छुट्टियां रहती हैं। तो तब आपको यहाँ पे जो, अगर आप जैसे कि सब्जेक्ट में फेल वगैरह हो सकते हैं तो आपको तब यहाँ पे समर टर्म्स वगैरह लगाने का मौका मिलता है। और जो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स में पास होते हैं वो अपने इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2-2.5-3 महीने वाली इंटर्नशिप्स अपनी कर सकते हैं। तो ये पूरा एकेडमिक कैलेंडर है जो मैंने आपको समझा दिया, सारा जो एकेडमिक कैलेंडर है वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप इस लिंक को टाइप करेंगे तो इस वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आप खुद भी इस जो एकेडमिक कैलेंडर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आई होप मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी इंग्लिश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।